हेलो दोस्तों, हम शिफाली और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत के बारे में और जानेंगे इसी से जुड़ी कुछ मोटिवेशनल बातें जो आपको भी ब्रिगेडियर शेखावत जैसा एक पैरा एसएफ ऑफिसर बनाने के लिए मोटिवेट कर देगी। ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत इंडियन आर्मी के वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेटेड ऑफिसर्स में जाने जाते हैं और शायद ऐसा ही कोई डिफेंस एस्पिरेंट होगा जो इनके बारे में ना जानता हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एसएसपी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। आप कोर्सेज में एनरोल करते वक्त SSP10 कूपन कोड यूज करें। ये कोड आपको 10% डिस्काउंट देगा और आप हमारी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रिगेडियर शेखावत एक डेकोरेटेड पैरा एसएफ ऑफिसर होने के साथ ही साथ एक अकम्प्लिश्ड माउंटेनर भी हैं। इन्हें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, माउंटेनिंग एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए काफी सारे मेडल से सम्मानित किया गया है। चलिए जानते हैं ब्रिगेडियर शेखावत ने कौन कौन से मेडल्स एंड अवार्ड्स को अर्न किया है। ब्रिगेडियर शेखावत हैज बीन अवार्डेड द कीर्ति चक्र, द शौर्य चक्र, सेना मेडल गैलेंट्री, विशिष्ट सेवा मेडल एंड द सामान्य सेवा मेडल अमंग्स अदर मेडल्स। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सारे मेडल्स एंड अवार्ड्स ब्रिगेडियर शेखावत ने अर्न करे हैं। अगर बात की जाए इनके माउंटेनिंग एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 3 बार सक्सेसफुली क्लाइम किया है, जो इन्होंने 2001, 2003 एंड 2005 में किया था। इसके साथ इन्होंने माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, और मोंट ब्लांक, जो कि एल्प्स में वेस्टर्न यूरोप की हाईएस्ट पीक है, उन्हें भी सफलतापूर्वक क्लाइम किया है। आज तक इन्होंने 14 से भी ज्यादा पीक्स को क्लाइम किया है। ब्रिगेडियर शेखावत ईयर 1994 में इंडियन आर्मी में कमीशन्ड हुए थे। उन्होंने यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के थ्रू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी को ज्वाइन किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मेजर गौरव आर्य और ब्रिगेडियर शेखावत दोनों ओडीए चेन्नई में कोर्स मेट रह चुके हैं। 2008 में लोतक लेक मणिपुर में एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को लीड करने के बाद ये काफी चर्चा में आए और इस ऑपरेशन के लिए इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि इनका 4th गैलेंट्री अवार्ड था। As a youngster, I decided to join special forces, parachute regiment. So as we say, naam namak ishan nishan. This is my naam, this is my namak, and this badge is my nishan. Sacrifice, badge of sacrifice. So I must not do anything which can bring bad name to these three things. And I joined special forces as a youngster, as a romantic. But when I joined and when I saw the real world, you know, these three things are not there when you are fighting. So when you fight, the motivation is to survive. You know, you know the fact that okay, now the fight is going to start, and the bullets are going to fly, and people are going to die. Sometimes you eat the bear and sometimes bear eats you. That happens, and I have seen that thing happening. I have seen my men falling. I have seen the other person in front falling. So in that situation, the motivating factor is to fight and to survive. If you don't kill, he'll kill you. So that is the biggest motivating factor there. हाल ही में उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्मी में धर्म और जाति पर विवाद क्यों नहीं होता। In Indian Army, life is very different, very challenging. And once you join Indian Army, you are in a different environment. The environment which we see generally, the problems which are plaguing the country, you know, there are divides, there is casteism, there is religion, you know, all these things are not there in army. You live in a very very pluralistic secular society and you act like a unit. So when I was I keep saying this, when I was commissioned and when I joined special forces, I was asked by one of my NCO that what is your religion, what is your caste. I said I am Hindu Rajput. So he said, bloody chap, take a dip in that dirty water. So I went and I took a dip. Then I realized that there's something wrong I have said. So again he asked, so then I said, sir, my religion is SF and my caste is SF. Now you know. So he then told me that, you see, you are an officer, and so your religion is the religion which is the religion of your boys. So if your boy is a Hindu, you are a Hindu. If your boy is a Sikh, you are a Sikh. If your boy is a Christian, you are a Christian. If boy is a Muslim, you are a Muslim. So as an officer, you are everything.
ब्रिगेडियर शिखावत ने 21 पैरा एसएफ एंड 9 पैरा एसएफ जैसे एलीट बटालियन को भी कमांड किया है और मार्च 2020 में इनका प्रमोशन ब्रिगेडियर रैंक पर हुआ और ये अभी भी इंडियन आर्मी में सक्सेसफुल लीडर बनकर सर्व कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेशन मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट रीड है और इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।